अस्सलाम वालेकुम भैया, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब भाई ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं आतिफ जुवेद भाई, उनका नाम है सब्सक्राइबर का, ठीक है। तो आतिफ भाई ने कहा था कि शान भाई, मेरे पास जो मुर्गा है ना वो पकड़ा नहीं जाता, यानी कि वो उसे पकड़े तो वो आगे लग के भाग जाता है, हाथों में भी वो नहीं आता, ठीक है। बड़ी वो मुर्गा मस्ती करता है उसे, पहली बात वो हाथों में आता ही नहीं है, पकड़े तो डरपोक सा बन जाता है हाथों में आके, और उसे पीछे लग के पकड़ना पड़ता है, तो वो हर वक्त ना डरा डरा रहता है, हमारे पास नहीं आता, उसका कोई हल बता दे, ठीक है। तो आज की वीडियो स्पेशल आतिफ भाई के लिए, देख सकते हैं ये मुर्गा मैंने पकड़ा हुआ इस वक्त अपने हाथ में, मियाँ वाली कहते हो ये, ठीक है, लंबे मुँह वाला है, छोटी आँख है, खुले कील कांटे वाला मुर्गा ये, देख सकते हैं पीछे इसकी बैक, माशाल्लाह बड़ा अच्छा जानवर है, ठीक, पुरसकून है मेरे हाथ में, देख देख लो। जब ये मेरे पास मुर्गा आया था उस वक्त ये छोटा था थोड़ा सा, लेकिन इसकी कंडीशन ऐसी थी कि इसे कोई पकड़ नहीं सकता था, ठीक है, इसके पीछे लग जाना, इसने भागना बड़ा, इनको बहुत जरूरी करवाना, तब जाके ये पकड़ा जाता था, और ये हर वक्त डरा डरा रहता था, हर वक्त इसे कोई डर था, जैसे होता ना कि कभी मुर्गे हाथ में पकड़े ना हो। तो ये सेट कैसे हुआ मुर्गा, ये ठीक कैसे हुआ, अब आपको ये बताना है कि ये देखे इतना शांत ये कैसे हो गया, ठीक है। इसकी वजह ये बनी कि जब भी आप मुर्गे सुबह के वक्त छोड़ो ना, आप मुर्गे छोड़ो तो जो मुर्गा है उसे आप पिंजरे से बाहर निकाल के पकड़ लो, अपने हाथों में पकड़ लो मुर्गे को, ठीक है, उसके ऊपर इस तरह हाथ फेरे उसकी कमर के ऊपर पकड़ के उसे, ठीक है, कम से कम 10-15 मिनट तक मुर्गा पकड़ो आप सुबह के वक्त ऐसे, ठीक है, उसकी गर्दन को नीचे काट दो बिल्कुल ऐसे, इस ऐसे करनी है और ऊपर ऐसे हाथ फेरने हैं, बिल्कुल छोटी गर्दन, जब ये जब मुर्गे की गर्दन ऐसी होती है ना बिल्कुल अंदर अंदर सारी, ये इसका मतलब पुरसकून है, अब ये पुरसकून है जब बिल्कुल गर्दन को ऐसे रखेगा ऐसे, ये देखें ये निशानी इसकी नफसियात है, अब ये पुरसकून है, देखें ये कोई डर खौफ नहीं है। जब मुर्गे की गर्दन बिल्कुल लंबी होगी, पीछे ये पंख खड़े होंगे थोड़े से, ये पर खड़े हो ना मुर्गे के पीछे, वो निशानी होती है डरपोक की, बहुत बड़ा वो डरपोक होता है, जिसके ये नीचे जो गर्दन के नीचे पंख खड़े कर ले अपने, ये 2-3 पंख होते हैं, ये ऐसे खड़े कर लेता है, वैसे देखता है डर के, वो डरा होता है उस वक्त, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि असील मुर्गे, बड़े असील मुर्गे जब छोटे पट्ठे के साथ कोई लड़ते हैं तो बाज़ बात होता है कि लड़ने से पहले जो पट्ठा होता है ना वो ये बाल खड़े कर लेता है अपने, ये वाले ऐसे पीछे से थोड़े से साइड पे होके खड़े कर लेगा पीछे से बाल, वो सिग्नल दे देता है दूसरे मुर्गे को, भाई मैं डर गया हूँ, मैंने लड़ना नहीं है तुमसे, जो पट्ठा होता है वो सिग्नल दे देता है, गर्दन के बाल खड़े करके ना ये उगा के साइड पे चला जाएगा, ये बाल उसके खड़े ही रहेंगे पीछे से, ये ऐसे 3-4 बाल खड़े होते हैं, ऐसे ऐसे खड़े होते हैं पीछे से, वो इसका मतलब होता है उसने कह दिया बातों में भी मैं डर गया हूँ, मैंने हार मान ली, जो पट्ठे होते हैं बड़े सील तो लड़ पड़ते हैं। तो ये देखें इस तरह से आपने मुर्गे को पकड़ के बड़े आराम सुकून के साथ उसे मुतमिन करना है, ऐसे पकड़ के ना मुँह बीच गर्दन उसकी घसा देनी है ऐसे, ये मुर्गे की वो हस है जो हर बंदा आपको नहीं बताएगा, ठीक है, मुर्गा इसे बिल्कुल मुतमिन, ये देखें ऐसे बिल्कुल ऐसे, ये देखें ऐसे आराम से, ये आई भी बंद करेगा, अपनी आंखें बंद कर लेगा और आपके हाथों में ये सो जाएगा, ठीक है, इतना पुरसकून मुर्गा हो जाएगा। नीचे बैठाएं इसको इस तरह, इस तरीके के साथ आप इसके ऊपर हाथ फेरते रहें, ठीक है, ये 10-15 मिनट आप ये करें डेली सुबह के टाइम, और दोपहर के वक्त भी जब आप मुर्गे के करीब हों, अगर आप ज़्यादा उनके करीब रह सकते हैं तो आप कोशिश करें कि 2-3 घंटे बाद उसे पकड़ लिया मुर्गे को, उसके ऊपर हाथ फेरा, यानी कि बिल्कुल वो आपके हाथों में टिक जाएगा, वो जो मालिक होगा उसे वो पहचान लिया करेगा, अगर आप उसे पकड़ेंगे भी तो वो जल्दी पकड़ा जाएगा। अगर आपने दोस्तों मुर्गे के पास ही नहीं आना, ठीक है, उसे आपने दाना पानी दे के चले जाना है काम पे या जो भी आप करते हैं, तो फिर शाम को आकर आपने उसको देखना है या सुबह देखना है, तो मुर्गा किसी सूरत में भी आपके पास नहीं आएगा, ठीक है, डर जाएगा आपसे, वो ऊपरा करेगा, आपको ऊपरा बंदा समझेगा। अब मेरा ये भी मुर्गा है, मेरा वाइट भी है, वो एक लसानी भी है, फिर बड़ा मुर्गा भी है, वो जितने भी मुर्गे हैं मुझे देख के मैं चुटकी मारता हूँ ऐसे, बस वो मेरी चुटकी का जवाब देते हैं आगे से, ठीक है, वो देखें आवाज़ आइए जवाब देते हैं तो पता चल जाता है कि मैं आ गया हूँ, ठीक है, ये एक मोहब्बत होती है जानवरों के साथ, ठीक है। तो ये कुलिया मुर्गे का डर उतारने का मैंने बताया, हाथ में पकड़ लें, उसके मुंह के ऊपर हाथ रख के ऐसे बिल्कुल गर्दन अंदर घुसा दें उसकी, ऐसे ऐसे उसके साथ प्यार करें आप, उसके साथ देखें उसे नींद आना शुरू होगी, उसकी आइज़ बंद हो जाएगी मुर्गे की, ठीक है, बड़ा पुरसकून हो जाएगा उसके, दुम तक ऐसे हाथ फेरे उस मुर्गे के, ठीक है, इस तरीके के साथ देखें ऐसे, जब जो बंदा डेली 15-20 मिनट मुर्गे को ऐसे करेगा तो वो तो मस्त हो जाएगा आपके हाथों में भी, बस मुझे पकड़ लिया, अब पुरसकून होकर मैं खड़ा हो जाऊँ, ठीक है, अगर वो भागता भी होगा जब आप उसे पकड़ेंगे वो आराम से खड़ा हो जाएगा, अभी मेरा टाइम आ गया, वो वाला मालिश का टाइम आ गया, ठीक है।
तो ये आज की छोटी सी वीडियो थी। आतफ भाई सब्सक्राइबर है, उन्होंने स्पेशल कहा था कि एहसान भाई मेरे मौजू के ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दे, ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप। मैं फिर तो दोस्तों आप भाइयों का प्यार है, मुझे काफ़ी सपोर्ट किया आप सब भाइयों ने, और आपके जो मसले मसाइल होते हैं मुझे आप कमेंट करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर भी, मैं सॉल्व करता हूँ। मेरे तकरीबन 2-3 सब्सक्राइबर ऐसे हैं उनके मसले काफ़ी संगीन बने हुए थे, मुर्गे उनके कोर्ट जाम के मसले थे, एक की टांगों का मसला बन गया था, वो उसको इलाज बताया, दुआ कीजिए वो ठीक हो जाए मुर्गे। बाकी इंसान तो जितनी हो सके कोशिश करता है, मेडिसिन देता है, और भी जो उसके उसके जहन में आता है वो करता है। शफा देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है, ठीक है, अल्लाह ताला की ज़ात शफा देती है। तो बस के दुआ किया करें कि जिन भाइयों के मसले मसाइल हैं, मुर्गे बीमार हैं या और मसले मसाइल हैं, अल्लाह ताला वो सब के सॉल्व करें। तो जी ये देख सकते हैं मुर्गा, मियाँ वाली का ये मुर्गा है, बिल्कुल खुले कील कांटे वाला, अभी ये पट्ठा है, ये देखिए इसके कील भी नहीं है, छोटे छोटे हैं बिल्कुल, अभी ये पट्ठा है बिल्कुल, तकरीबन होगा 1.25 साल का अभी होगा, सवा साल का, ठीक है। तो जब ये 1 साल बाद इसकी ब्रीड लेंगे, 1 साल के बाद, ठीक है, अभी मैं 1.25 साल की मुर्गे को नहीं समझता कि उसकी ब्रीड लें तो बिल्कुल इस जैसी बच्चे बनेंगे, ये बिल्कुल ये चीज़ कभी भी नहीं बनेगी, लंबी टेयर है देखिए इसकी। तो इंशाल्लाह 1 साल के बाद जब ये 2.5 साल का हो जाएगा फिर इसकी ब्रीड लेंगे इंशाल्लाह, और उनका भी आपको शो करवाएंगे। तो बाकी आपके जो भी मसले मसाइल हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दिया करें, तो आपका भाई आपके सारे कमेंट रीड करता है, सारे कमेंट आपके पढ़ता है और उनके जवाब भी देता है। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट होते हैं जिनके ऊपर वीडियोस लेट अपलोड होती हैं, लेकिन अपलोड कर देता हूँ मैं पढ़ने के बाद, ठीक है। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं मसरूफ था, फैसलाबाद गया हुआ था, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर सका, ठीक है। तो इनके जो चेहरे के ऊपर ना एक भाई ने कमेंट किया था, खुश्की आ गई थी, उसने ऑयल सरसों का लगाया था लेकिन खुश्की फिर भी नहीं जा रही, तो तब मैंने उसे कहा था वैसलीन लगाया इसके चेहरे के ऊपर ना, 2 दिन में 2 बार अच्छी तरह वैसलीन लगा कर ना इसके मुंह की 2 मिनट मसाज करें, 2-3-4 बार लगाएं। ये सर्दी के मौसम में खुश्की आती है मुंह के ऊपर, जब फुल सर्दी का मौसम होता है ना, शक्कर आ जाता है सफ़ेद रंग का मुंह के ऊपर, तो बड़ा बुरा सा लगता है, जैसे ही गर्मी शुरू होनी है बिल्कुल शक्कर शक्कर खत्म हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बेल आइकन को दबा दें, ताकि सीर मिलने के मतलब प्यारी प्यारी वीडियोज़ आप तक होती रहे। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।